इंग्लिश में हमें या के अलावा कुछ नहीं आता। या वो उसका क्लाइंट आया, हेलो गोविंद, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू टू पिक अप माय कॉल, आई हैव टू पेमेंट इज अ फॉरेन रेमिटेंस, फलाना ढिमकाना, तो हमें टीडीएस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने कहा या आई विल शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिक्वायरमेंट भेजता हूँ आगे हिंदी। या आर यू श्योर इफ यू सेंड मी अ रिक्वायरमेंट, आई विल कंप्लीट द रिक्वायरमेंट एंड देन यू कंप्लीट द सी15 सीवी फलाना ढिमकाना। मैंने कहा हाँ मैम 15 तारीख तक मैं पूरा बना दूंगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट गलत भेजे, और डॉक्यूमेंट कौन भेजता है महानंदा, तुमने वो देखा है एक 7-स्टार होटल है, उसकी पूरी चैन है इंडिया में होटल है उसके। अच्छा। उस कंपनी का सीएफओ मुझे डॉक्यूमेंट भेजा, उसका नाम गगन था, ऐसी कुछ नाम था, गगन मान लेते हैं, गगन नाम था। तो भाई मुझे क्या पता वो सीएफओ है पूरे कंपनी की, मैं मैम से बात कर रहा, वो उस होटल की सीएफओ थी, मैं मैम से बात कर रहा, मैम ये जो गगन अकाउंटेंट ने भेजे हैं वो गलत भेजे। सर एक्सक्यूज मी, सीएफओ कंपनी। वो कह रहा तुमने कैसे बच्चे बैठा रखे हैं। मैंने अगले दिन ही सुबह मैसेज डाल दिया कि सर मेरी तो हेल्थ इश्यू है, मैं नहीं आया। हेल्थ इश्यू उसे लगा कि सर गोल बात करके आने के लिए मेरे से कह रहा इन हैंड वर्क कंप्लीट करो प्रायोरिटी पे। हाँ। हमें दूसरे जने से जूनियर से अपने बात कर रहा कि देख इसको लग रहा है कि ये पंछी हो रही है अब वापस ना आने का। ओ भाई वो किसको मैसेज गए, वो सर को ही चले गए। वो 5 मिनट बाद व्हाट व्हाट अगले दिन जब बना दिया। हाँ। बना बनू दिया तो एक और क्लाइंट का बनाना था ऐसे सर्टिफिकेट। हाँ। तो सर अंदर बुला के ये सी है इनसे तमीज में बात करना। मैंने कहा सर मैंने किससे बदतमीज, नहीं वो तो मुझे पता चल गया। फॉरेन क्लाइंट तो है कि चलो बच्चे बैठा रखे हैं पढ़े लिखे थोड़े, कि चलो हिंदी अच्छी बोलते हो, हिंदी ऐसे भेजते हैं, होता है भेजे हैं। सर होवे वही आ रहा है लेकिन जब भी छोड़ रहा हूँ ऑफिस में गाली पड़ती है ना भाई आदमी, बस वो है ना कि प्रोफेशनलिज्म है तो मामहन पे नहीं आता। उसे टच कर दिया रोज की रोज टच कर दिया। मैंने कह रहा तेरे बस की कुछ नहीं है, तू करके आया है बैनशीट बनाना 2 घंटे का काम है। मैंने कहा भैया सीनियर के बारे में, भैया कह रहा 2 घंटे का काम है, कह रहा कह दियो जरा सर आप बना दो, एक साल लग जाएगा इसे। मैंने कहा सर मेरे को कुछ आता नहीं, तो सीखना तू करने क्या गया है वहां पे, जब तुझे सीखना नहीं है कुछ फलाना नहीं है ढिमकाना नहीं है। मैं कहा किससे सीखूं, तीनों जूनियर आ गया गालियों पे। तुझे करना नहीं है, तू मेरा ठाया फलाना ढिमकाना है, एक मेरे को सुना दिया दूसरे को लपेट लिया मेरे साथ, तू क्या कर रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा था। कह रहे तुम सब मेरा ठा जाओ भाई। उनने जब दे दिया हमने सही में बस उसकी टिकट कर लिया कि मेरे टीचर ने। मैं कह रहा बिल्कुल तमीज नहीं है कुछ कहने सुनने के लिए। देख रहे ना कि हम मेरे ठा जाए या ना है। हिमाचल प्रदेश तो भाई फॉर्म में नाम मेरा लग सकता है भूला 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 तो जाता हूँ। मैंने ऑडिट करी भाई सितंबर में, ऑडिट करी दिसंबर में, उसका डाटा पूछ रहे यार इसका डेटा कहाँ है। मैंने कहा यार किसने करी है, अब तूने तो करी है। डेटा कहाँ है, गुड क्वेश्चन। मैंने कहा दीदी अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिजी दिखाता हूँ कि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद आऊंगा, 1 घंटे तक लगा पड़ा हूँ, डेटा कहाँ है डेटा कहाँ है डेटा कहाँ है डेटा कहाँ है। मैं सीनियर के अंडर गई थी उस टाइम। हाँ। भाई डेटा नहीं मिला, मैंने कहा अंदर लेनी देनी हो जाएगी, वो कहेगा तूने क्या खा रहा है फलाना नहीं। हाँ। मैंने सीनियर को फोन मिला, वो पेपर की छुट्टियों पे कौन फोन उठा रहा है। हाँ। उनने फोन नहीं उठाया, 1 दिन 2 दिन सीनियर ने फोन उठाया। मैंने कहा दीदी वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं डेटा बता दो, कह रही उससे क्या मैंने करी थी, मेरे का कर लेगा मैं तो पंछी हूँ। अंदर जाके सर दीदी तो कह रही है कि उन्होंने करी थी उन्हें पता है, अब वो बाद में आएंगी तो बाद में कुछ होगा, तो फोन पे कोऑर्डिनेट कर। मैंने कहा सर वो फोन नहीं उठा रही। अरे वैसे नहीं उठा रही, मैं फोन करता हूँ उसका फोन नहीं उठा। जब तक चोरी पकड़ी नहीं जा रही जब तक करते रहो। अब तो पंछी है। अबे तुझे तो कॉमर्स से पढ़ा देगा, सीखता रहूं सीनियर से। अबे नहीं 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 अब तो बस ही। मैंने कहा इससे पहले सीनियर बने पंछी उड़ा दो, पंछी उड़ा दो, क्योंकि भाई जो हमसे छोटे आए ना वो भैया तो नहीं सर भैया नहीं छोटे आए ना वो भैया, कि इसे तो दुनिया भर का ज्ञान है। हाँ, ये तो मेरी नया पाल कराएगा, ये हमें बताएगा कह रहे हो भैया, ये बताना कह रहे हो बात। अभी मैं काम कर रहा हूँ, गुड क्वेश्चन, 5 मिनट बाद खुद सीख के जाता हूँ ये गूगल पे की। अच्छा आया तो ना हम ऑडिट पे गए भाई। हाँ। ऑडिट करने कोई चार आदमी तो आएगा नहीं। हाँ। उन्हें नहीं लगता आर्टिकल, उन्हें लगता चार्टर्ड आए हैं। चार जने आसपास खड़े हो गए, सर 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 फलाना ढिमकाना बैडमान ने क्या दिया। हम ऑडिट कर रहे हैं, हमने कहा सर 20,000 ही सैलरी है बस आपकी, काफी कम है, बड़ी एंटिटी संभाल लो, 100 करोड़ की एंटिटी।
यार सबकी किस्मत आपकी जैसी कम होती है, आप जो लाख डेढ़ लाख करा रहे होंगे महीने का। मैंने कहा सर कांट डिस्क्लोज इज कॉन्फिडेंशियल, बताते ही पानी पानी हो जाते हैं कि हम तो 1500 में आ रहे हैं। अब आगे का क्या प्रोसीजर है, आगे खाने को मंगा दो कुछ। सुबह एक घंटा काम करा, सर कुछ चाहिए जूस मंगा लो। वो चाहिए तो वो सोचता है डॉक्यूमेंट, खाना पीना आता रहना चाहिए, अपना होता रहेगा। अगली बार से कह रहा है सर ऑडिटर भेज रहे जाड़ी भेज रहे, काम तो कर दे नहीं, खाने को मंगा दो, खाने को मंगा दो। अगले दिन जाए दस्त लग गया, कहीं खाना पीना नहीं छोड़ना। शाम को भी जब जा रहे थे सर हाथ हाथ मिला के जा रहे हैं भाई ठीक है, अब सफर के लिए फ्रूटी मंगा दो। सफर कितना लंबा, 1 किलोमीटर बैग में रख के घर से क्या रहा, अचीवमेंट। अरे तो क्लाइंटों का कितना आराम खाया कि पेट खराब हो गया। मैं तो कमी खाया है, साथियों का नहीं देखा तुमने, चाप मंगाओ। यहाँ पे बेस्ट क्या है। अभी क्लाइंट ऐसे ऐसे आते हैं, कह रहा सर मुझे नहीं पता मैंने क्या करा। जब तुझे नहीं पता तो मैं तो जानना भी नहीं चाहता। मैं कहाँ तक मारू, एक ना आया इतना बेवकूफ आदमी भाई, UPI की वो दे दी, उसकी ट्रांजेक्शन क्या 10 रुपए 100 रुपए 120 रुपए 40 रुपए। मैंने कहा क्या करूँ इसका, 1 महीने में 10,000 की ट्रांजेक्शन, और अब नवीन फास्ट फूड, अब फलाना फास्ट फूड, ये कबाड़ी वाला, ये ढिमकाना वाला। कल को अगर हमें CA की जरूरत हुई तो हम तुम्हारे कंधे पे भरोसा कर सकते हैं, या तुम सारी कंपनी के एडजस्टमेंट मार दोगे हमारी। मेरे पे मैं अपनी अब तो अच्छे से करता हूँ, हाँ। बिल्कुल सही जवाब है, ऐसे तो लोग चाहिए इस समय जो हमारा भला दुनिया का घाटा सोचे। मान ले गोविंद किसी ब्लॉग पे बहुत तगड़ा खर्चा हो गया, तो उसे कहाँ एडजस्ट करके दिखाएंगे हम। और ब्लॉग एफर्ट जैसा बोला करो जो आम जनता समझ पाए, मतलब आगे इसका फायदा में आगे तक मिलेगा। गोविंद भाई जॉब पक्के, आंखों में से आंसू आ रहे हैं। अरे सैलरी इज 50 रुपीस पर मंथ, इस उपाधि का मैं लो 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 सेकंड एम्प्लॉय, नहीं नहीं कंपनी का सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय। इस उपाधि के लिए मैं सबसे पहले अपने माँ बाप का धन्यवाद जिन्होंने मुझे पाल पोस, फिर मेरे सीनियर जिन्होंने एडजस्टमेंट मांगी। सर होटल की ऑडिट नहीं है, कह रहे क्यों, मैंने कहा सर वो एक्सपोजर नहीं मिला होटल का, एक्सपोजर किसका नहीं मिला, ऑडिट का खाने का। मेरे बाप का क्या यार, तेरा बैंक डूबेगा, फर्म उसकी डूबेगी। मैं तो जनवरी के बाद गायब हूँ, जनवरी के बाद पंछी गायब ही नहीं, पंछी।